हेलो दोस्तों, तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल दोस्तों काफ़ी एग्जाम में टच करते हैं और ये कैसे बनता है इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों कि इसको पूरा काउंट कर लेना है, कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है और आठ है, और ये स्पेस जो है इसको भी दोस्तों आप काउंट कीजिए, तो आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, टोटल मिला करके दोस्तों बारह है, ठीक है, बारह है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि या तो आप तीन तीन का चार पेयर बना लीजिए, ठीक, या आप चार चार का तीन पेयर, तो यहाँ पे चलिए हम चार चार का तीन पेयर बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चार हो गया, ये यहाँ से एक दो तीन चार, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आपका चार हो गया, और ये हो गया आपको चार, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला हो गया चार, हो गया ना, आप ऐसे कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद क्या है, यहाँ पे बी के बाद बी है, तो यहाँ पे बी के बाद तो ए है, तो हम क्या करेंगे फिर इसका इसके साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ए है, लास्ट में भी ए है, इसमें भी पहले ए है और लास्ट में भी ए है, तो यहाँ पे ए के पहले ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला ए के पहले बी है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे ए के पहले बी रख दिया, तो ये क्या हो गया, ए बी बी ए। और सेम यहाँ पे अगर आप इसी तरह से देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बी रख देते हैं तो ये भी बन जाता है ए बी बी ए, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे डबल बी है, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे फोर्थ वाला देख लीजिए, इसमें डबल बी है ना, तो इसके पहले भी ए है और इसके पहले भी ए है, यहाँ पे भी डबल बी होता है तो इसके पहले ए है और इसके पहले ए है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से दो ए रख देते हैं, तो क्या निकल के आता है, पहले स्थान पे बी है, ठीक है, दूसरे स्थान पे ए है, यहाँ पे ये भी ए हो गया, ये तीसरे स्पेस के स्थान पे ए है और लास्ट में बी, तो बी ए ए बी बन गया, यानी कि आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट। तो इसी तरह से आपको देखना चाहिए दोस्तों कि जितना है पूरा काउंट कर लीजिए और पेयर बना लीजिए, तीन का चार या चार का तीन, तो यहाँ पे आप टेस्ट दोनों कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं, अगला सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए इसी तरीके से कुछ दिया गया है और टोटल यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात है और स्पेस कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो सात और पाँच कितना हो गया, टोटल मिला के बारह हो गया, वो ये बारह हो गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तीन का चार, तीन गुणे चार बराबर बारह और चार गुणे तीन बराबर बारह, तो चार का भी तीन पेयर बना सकते हैं, तीन का भी चार पेयर, तो यहाँ पे भी हम चार का तीन पेयर बनाते हैं, आप तीन का चार बनाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, चार, ये चार हो गया यहाँ तक और ये हो गया चार आपको यहाँ तक और ये हो गया ये, तो ये इसमें ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एन के बाद में क्या है, एन के बाद एन है, यहाँ पे है ना एन के बाद एन, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि एन के बाद एन डाल देंगे। अब आप कहिएगा कि भाई यहाँ पे एन के पहले भी तो एम है, मतलब एन के पहले भी तो एन है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आपने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे इसलिए नहीं डाला है दोस्तों क्योंकि ये चौथे स्थान का एन है, ठीक है, ये चौथे स्थान के एन के पहले एन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि ये चौथे स्थान के एन के पहले एन हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो हो गया आपका क्या, एन के बाद एन है, तो हमने यहाँ पे एन के बाद एन डाल दिया। अब देखिए ये एन के बाद एन है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एन के बाद एन डाल दिया, हो गया ये, हो गया ऐसे, तो ये हो गया आपको एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए एक, दो, तीन, चार और ये। अब देखिए यहाँ पे डी के बाद, यहाँ पे डी के बाद क्या है, डी के बाद एम है, तो हमने यहाँ पे डी के बाद एम डाल दिया, तो क्या हो गया डी एम एन, तो यहाँ पे एन एन डबल हो गया, तो ये एन दो एन के पहले क्या है, ये दोनों एन हो गया ना, इसके पहले एम है, तो यहाँ पे भी दो एन है, यहाँ पे हमने एम डाल दिया, एम डाल दिया। अब क्या हुआ कि एन एम के पहले क्या है, तो यहाँ पे एन और एम दोनों हो गया, इसके पहले डी है, ये देखिए एन एम है ना, इसके पहले डी हो गया, हो गया। अब देखिए डी एम के बाद एन है, तो यहाँ पे भी हमने एन डाल दिया, तो टोटल क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एम पहले स्थान पे आ गया, फिर एन आ गया, फिर डी आ गया, फिर एम और एन एन हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों टोटल बनाना है आपको, चार चार का बना लीजिए, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके और ये ऐसे कर दीजिए, फिर आप देखिए इसमें किसका किसके साथ आपको बन रहा है, तो यहाँ पे एन के पहले एन है, तो यहाँ पे भी हमने एन के पहले एन हो गया है, इसी तरह से आपको टोटल देखना है। डी डी के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डी के बाद एम है, तो यहाँ पे हमने एम डाल दिया, हो गया। और इसी तरह से डी एम एन एन हो गया ये, तो ये भी डी एम एन एन हो गया। अब यहाँ पे डबल एन है, यहाँ पे भी डबल एन है, तो यहाँ पे अगर डी एम हम डालते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका सीरीज बन रहा है डी एम एन एन करके, तो क्या निकल गया रहा है, एम एन डी एम एन, तो ये हो गया ना एम एन डी एम एन, तो ये आपका क्या हो गया एम एन डी एम एन। तो नीचे में देखते हैं कहाँ पे है, तो एम एन डी एम एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला,
ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला और वह दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था। अब देखिए इस तरह के सवाल बनाते समय दोस्तों काफ़ी लोग अपने तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर हमने यहाँ पे ईस्ट मान, अगर हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया और इसको मान लिया ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये हो जाएगा साउथ, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ या नॉर्थ। बहुत सारे लोग इधर ई मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं मान करके। तो चलिए हम यहाँ पे ई यहाँ पे कर देते हैं, डब्ल्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे, एन। तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, तो ये सेंटर पॉइंट है, तो ये पश्चिम हो गया, पश्चिम की ओर चला और वो दाएं मुड़ा, तो इधर की तरफ फेस है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा तो फिर इधर आ जाएगा, दाएं मुड़ा ना और अंत में बाएं ओर मुड़ा, यानी कि इधर मुड़ गया, इधर बाएं हो गया इसका। तो ये किधर आ गया, नॉर्थ की तरफ इधर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मानने के ऊपर होता है, अगर आप इधर ईस्ट मानते हैं तो दोस्तों इधर ऑटोमेटिकली आपका वेस्ट हो जाता है और इधर एस हो गया आपका साउथ, इधर नॉर्थ हो गया। तो ये अब इसके बाद आप जो ही निकालना है निकाल सकते हैं, सीधी सी बहुत ही सिंपल होता है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे ए बी एल, यहाँ पे देखिए बी सी और क्वेश्चन टैग दिया है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों आप चाहे तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो सिंपल सवाल है, इसका जवाब आप कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।